Expansions of functions of two variables video number 3. Welcome all of you. इस वीडियो में हम लोग मैकलॉरिन सीरीज पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे. आइए शुरू करें. एग्जाम्पल 1. एक्सपेंड e to the power x into sin y in powers of x and y as far as f a r likhiye, as far as the terms of third degree थर्ड डिग्री के टर्म्स तक को आपको सीरीज में लिखना है, उससे ज्यादा नहीं. एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन वाई. मैकलॉरिन सीरीज आपको याद होना चाहिए, चाहो तो हम यहां पर लिख दें. एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एट जीरो जीरो प्लस एक्स एफ एक्स एट जीरो जीरो प्लस वाई एफ वाई एट जीरो जीरो प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एफ डबल एक्स एट जीरो जीरो प्लस टू एक्स वाई एफ एक्स वाई एट जीरो जीरो प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई एट जीरो जीरो प्लस सो वन. तो थर्ड डिग्री तक लिखना है ना, यानी एक ब्रैकेट और आगे जाना है. वो कहाँ जगह नहीं लिख रहा, ऐसे ही हो जाएगा. बहुत डेटा निकालना होगा. एक दो तीन चार पाँच छ और चार, उसमें छः चार दस डेटा आपको निकालना होगा. एफ एट जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो. वाई जीरो रखोगे तो साइन वाई जीरो हो जाएगा. इसके बाद एफ एक्स, एफ एक्स एट एक्स वाई. तो अगर हम ये एक्स वाई नहीं लिखेंगे तब भी वो माना यही जाएगा कि जनरल पॉइंट पर निकाल रहे हो, समझ रहे हो ना. एफ एक्स एक्स वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन वाई. एफ एक्स एट जीरो जीरो इज इक्वल टू अगेन जीरो, साइन जीरो जीरो. एफ वाई एट एक्स वाई, वाई के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई. और अब एक नॉन जीरो डेटा मिलने जा रहा है. एफ वाई एट जीरो जीरो इक्वल टू वन, एक मिला. कॉस जीरो वन होता है, ई टू दी पावर जीरो भी वन होता है. फिर एफ एक्स वाई एक्स वाई, एफ एक्स वाई एक्स वाई माने एफ वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में. इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका कितना होगा, e टू दी पावर x इंटू कॉस वाई. और एफ एक्स वाई एट जीरो जीरो इज इक्वल टू वन. एफ डबल एक्स एक्स वाई, एफ डबल एक्स माने एफ एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, e टू दी पावर x साइन वाई. एफ डबल एक्स एट जीरो जीरो इक्वल्स टू जीरो. एफ वाई वाई एट एक्स वाई, एफ वाई वाई माने एफ वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, माइनस ई टू दी पावर एक्स साइन वाई. एफ वाई वाई एट जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो, साइन जीरो जीरो. तो एक दो तीन चार पाँच छः हो गया. ये सब जो दिख रहे हैं ये सब हो गए. अब अगले ब्रैकेट में, अब आपको ध्यान में होना चाहिए एफ ट्रिपल एक्स, वही एक्स प्लस वाई होल क्यूब का एक्सपेंशन जो होता है उसी के क्रम में लिखते हैं. जैसे एक्स क्यूब माने कि एक्स एक्स एक्स, फिर एक्स स्क्वायर वाई तो एक्स एक्स वाई, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई वाई, वाई क्यूब वाई वाई वाई,
एफ ट्रिपल एक्स एक्स वाई, एफ डबल एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ डबल एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, ई टू दी पावर एक्स साइन वाई कामा एफ ट्रिपल एक्स एट जीरो जीरो इक्वल्स टू जीरो, फिर एफ एक्स एक्स वाई एक्स वाई, ये देखो एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, हाँ किनारे जो इधर हो ना एकदम उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, किसको इधर वाले को, तो एफ एक्स वाई का ध्यान से सुनना, एफ एक्स वाई का डेल बाई डेल एक्स, यही यही एफ एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई, ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई, एफ डबल एक्स वाई एट जीरो जीरो इक्वल्स टू वन, एक और मिला, फिर एफ एक्स वाई वाई एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ वाई वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस ई टू दी पावर एक्स साइन वाई, माइनस ई टू दी पावर एक्स साइन वाई, एफ एक्स वाई वाई एट जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो, अब बारी है एफ वाई 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 एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में माइनस ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई, माइनस ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई, एफ ट्रिपल वाई एट जीरो जीरो इज इक्वल टू माइनस वन, एक और मिला, इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे ई टी सी, कुछ मिटा तो नहीं दिए, हाँ मिट गया, एक मिटा, एफ ट्रिपल एक्स एक्स वाई माने एफ डबल एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ डबल एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, ई टू दी पावर एक्स साइन वाई, ई टू दी पावर एक्स साइन वाई, एफ ट्रिपल एक्स एट जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो, इसके आगे अब लिखिए बाय मैक्लॉरिन सीरीज f of x y equal to f at 0 0 plus x f x at 0 0 plus y f y at 0 0 plus 1 upon factorial 2 x square f double x at 0 0 plus 2 x y f x y at 0 0 प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई एट जीरो जीरो, ये रहा प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब एफ ट्रिपल एक्स एट जीरो जीरो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई एफ डबल एक्स वाई एट जीरो जीरो प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर एफ एक्स डबल वाई एट जीरो जीरो प्लस वाई क्यूब एफ ट्रिपल वाई एट जीरो जीरो प्लस वन, अब वैल्यूज फीड करते चलिए, इम्प्लाइज दैट एफ एक्स वाई की जगह है ई टू द पावर एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू एफ जीरो 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 आया प्लस बड़ा ब्रैकेट एफ एक्स जीरो 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 एफ वाई जीरो जीरो एफ वाई जीरो जीरो वन है तो हो जाएगा प्लस वाई एक ब्रैकेट हो गया प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एफ डबल एक्स जीरो है फिर एफ एक्स वाई वन है तो हो जाएगा प्लस टू एक्स वाई 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 एफ वाई वाई ये भी जीरो है ये रहा
प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल एक्स, ये जीरो है, फिर एफ डबल एक्स वाई ये वन है, तो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, एफ एक्स वाई वाई ये जीरो है, फिर एफ ट्रिपल वाई ये माइनस वन है, माइनस वाई क्यूब प्लस वन। फाइनल स्टेप लिख दो, इम्प्लाइज दैट ई टू द पावर एक्स साइन वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई, है ना, और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन टू, चाहे टू लिख दो चाहे फैक्टोरियल थ्री को थ्री काटेगा तो फैक्टोरियल टू बचेगा, माइनस वाई क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस सो ऑन, ये इसका आंसर है। आंसर मिला लिया जाए, वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस वाई क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस सो ऑन, यस इट इज़ करेक्ट आंसर। तो कुछ अंदाज़ा लग गया होगा कि इस तरह के एक्सपेंशन के जो एग्जाम्पल्स हैं उनका मिजाज कैसा है। इससे भी थोड़ा हैवी काम वाला एक एग्जाम्पल और देखें। एग्जाम्पल टू, ये किसी यूनिवर्सिटी के अनसॉल्व से हमने लिया है क्वेश्चन को, और इसमें पेपर सेटर ने बदमाशी की है, फोर्थ ऑर्डर टर्म्स तक पूछ रहे हैं, थर्ड ऑर्डर तक इतना निकालना पड़ा, फोर्थ ऑर्डर में और ज़्यादा होगा ना, फाइव टर्म्स और बढ़ जाएंगे, यानी कि कुल मिला 15 डेटा आपको इकट्ठा करना होगा। तो एग्ज़ाम में तरह लेंदी क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, मेरा अपना मत यही है। बैलगिरी करा के आदमी क्या चेक करना चाहता है। फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई इन पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के पावर्स में जो एक्सपेंशन होता है वही मैकलॉरिन सीरीज होता है। इन पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई अप टू फोर्थ ऑर्डर टर्म्स, बस वही बैलगिरी करो, कठिन कुछ नहीं होता है, बस आप अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा क्या करना है, बस बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसा कुछ इसमें आई नहीं है कि ज़्यादा एग्जांपल्स बताया गया है। अब बोर्ड पे 15 डेटा हम कहाँ लिखेंगे, तो इसलिए हम एक चालाकी करते हैं। बाय मैकलॉरिन सीरीज, हाँ जैसे भी स्टार्ट करेंगे ना तो उसके बाद जो लिखेंगे वो हम पहले लिख दे रहे हैं, वो लिखा रहेगा एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एट जीरो जीरो प्लस एक्स एफ एक्स एट जीरो जीरो प्लस वाई एफ वाई एट जीरो जीरो प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एफ डबल एक्स एट जीरो जीरो प्लस टू एक्स वाई एफ एक्स वाई एट जीरो जीरो प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई एट जीरो जीरो प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब, हाँ वही तो सही, जो इतना पावर यहाँ है तो वही तीन बार यहाँ एक्स 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 एट जीरो जीरो, याद करना आसान है, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई एफ एक्स एक्स वाई एट जीरो जीरो प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई एट जीरो जीरो
प्लस वाई क्यूब एफ ट्रिपल वाई एट ज़ीरो ज़ीरो। अब इससे भी बड़ा फोर्थ ऑर्डर वाला लिखाएगा, प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल फोर एक्स प्लस वाई होल टू दी पावर फोर का एक्सपेंशन लिख लो, इसी धुन में उसको हम लिखेंगे, एक्स टू दी पावर फोर प्लस फोर सी वन एक्स टू दी पावर थ्री इंटू वाई प्लस फोर सी टू एक्स टू दी पावर टू इंटू वाई स्क्वायर प्लस फोर सी थ्री एक्स इंटू वाई क्यूब प्लस फोर सी फोर यानी कि वन वाई टू दी पावर फोर। ये इसी धुन में लिखे, एक्स टू दी पावर फोर एफ एक्स 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 एट ज़ीरो ज़ीरो प्लस फोर सी वन एक्स क्यूब वाई एफ ट्रिपल एक्स वाई एट ज़ीरो ज़ीरो प्लस फोर सी टू एक्स स्क्वायर वाई एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एफ डबल एक्स डबल वाई एट ज़ीरो ज़ीरो प्लस फोर सी थ्री एक्स वाई क्यूब एफ एक्स ट्रिपल वाई एट ज़ीरो ज़ीरो प्लस वाई टू दी पावर फोर एफ वाई 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 एट ज़ीरो ज़ीरो प्लस सो ऑन। इम्प्लाइज दैट एफ एक्स वाई की जगह दिया हुआ फंक्शन लिखो, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू, अब ये हम जगह छोड़ेंगे, ये पूरा दो लाइन छोड़ दे रहा है और हमको थोड़ी सी पट्टी नीचे बच रही है, इसी में हम कैलकुलेशन करेंगे और जो वैल्यू आती जाएगी इसी में लिखते जाएंगे, उसको मिटाते जाएंगे। समझ लिए ना चला कि हाँ, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हम हेडिंग डाल दे रहे हैं, इसे अभी आप मत देखिए। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई एफ ज़ीरो ज़ीरो इक्वल टू कॉस ज़ीरो वन, तो एफ एट ज़ीरो ज़ीरो वन आ गया प्लस, समझ रहे हो ना अपना ये इरादा, डेटा ज़्यादा हो जाएगा मिटा देंगे। एफ एक्स एक्स वाई एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई एफ एक्स एट ज़ीरो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो अब इस ब्रैकेट में एफ एक्स ज़ीरो ज़ीरो आ गया जी ज़ीरो। एफ वाई एट एक्स वाई, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इसका होगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई एफ वाई एट एक्स सॉरी एफ वाई एट ज़ीरो ज़ीरो आल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो साइन वाई के कारण, तो एफ वाई भी ज़ीरो हुआ, ए भी ज़ीरो हुआ प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल एक्स एक्स वाई। एफ डबल एक्स माने एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस एक्स कॉस वाई एफ डबल एक्स एट ज़ीरो ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस वन, एफ डबल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन, तो यहाँ हम लिख दें माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद एफ एक्स वाई एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स साइन वाई कामा एफ एक्स वाई एट ज़ीरो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एफ एक्स वाई एट ज़ीरो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट एफ वाई वाई एक्स वाई एफ वाई का वाई के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई एफ वाई वाई एट ज़ीरो ज़ीरो
एफ वाई वाई एट ज़ीरो ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस वन, तो एफ वाई वाई ये माइनस वन आया है तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये काम अच्छा लग रहा होगा आपको। नहीं, सारे डेटा हम कहाँ इकट्ठा करते, वन पॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल एक्स, एफ ट्रिपल एक्स एक्स वाई, एफ ट्रिपल एक्स माने एफ डबल एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, एफ ट्रिपल एक्स एट जीरो जीरो इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया जीरो। फिर एफ डबल एक्स वाई, एक्स वाई देखो एफ एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, एफ ट्रिपल एक्स वाई एट जीरो जीरो इक्वल्स टू जीरो, तो इसमें ए वाला भी जीरो आ गया। नेक्स्ट यहाँ भी कुछ निकल सकता है, एफ एक्स डबल वाई एक्स वाई, इसका कैसे निकल, देखो एफ वाई वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ वाई वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, एफ एक्स वाई वाई एट जीरो जीरो इक्वल्स टू जीरो, ये भी जीरो निकला। एफ ट्रिपल वाई, एफ वाई 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 एक्स वाई इज इक्वल टू एफ डबल वाई का वाई के रिस्पेक्ट में, एफ डबल वाई का वाई के रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, एफ वाई 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 एट जीरो जीरो इक्वल्स टू जीरो, ले भैया ये भी जीरो आ गया। बाप रे बाप। अब इधर वाला मिटाते हैं ना, यहाँ जगह खाली करें। अब कुल सिक्स डेटा और है बड़े वाले ब्रैकेट का, एक दो तीन चार पाँच, फाइव डेटा है। शाबाश। एफ डबल एक्स डबल एक्स एक्स वाई इक्वल टू एफ ट्रिपल एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ ट्रिपल एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स कॉस वाई, बहुत सावधानी से, कॉस एक्स कॉस वाई, एफ डबल एक्स एट जीरो जीरो इक्वल्स टू वन, इसमें हो सकता है हो जाए, लेकिन हम नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे, मान लो वहाँ ना आते, चलो कोशिश करते हैं। प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल फोर, तो पहला डेटा वन आया है इस बड़े वाले का, एक्स टू दी पावर फोर। नेक्स्ट एक एक्स कम करिए वाई बढ़ाइए पीछे से, एफ ट्रिपल एक्स वाई इज इक्वल टू एफ डबल एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ डबल एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, एफ ट्रिपल एक्स वाई एट जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो, दूसरा टर्म जीरो आ गया। नेक्स्ट एफ एक एक्स कम करिए इधर दाहिने से, डबल एक्स डबल वाई एक्स वाई, ये कैसे निकलेगा, एफ एक्स वाई वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ एक्स वाई वाई का, ये एफ एक्स वाई वाई का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, एफ डबल एक्स डबल वाई एट जीरो जीरो इज इक्वल टू वन, तो डबल एक्स डबल वाई वाला कहाँ है, ये है प्लस फोर सी टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वन। ठीक है भाई, बस 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 दो और, ओ
इसकी तो जरूरत पड़े थी, क्यों मिटा दिए। चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, सब निकल जाएगा। इसको मिटा रहे, हाँ अब किसकी बारी है, हम लोग कहाँ तक आए, एक दो तीन, एक दो तीन, इसकी बारी है। एफ एक्स ट्रिपल वाई एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ट्रिपल वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, थैंक गॉड ये है, एफ ट्रिपल वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स साइन वाई कामा एफ एक्स ट्रिपल वाई एट जीरो जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो ये टर्म भी हो गया जीरो लास्ट। और बेटो सबास एफ डबल वाई एक्स वाई एफ ट्रिपल वाई का वाई के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स कॉस वाई कामा एफ डबल वाई एट जीरो जीरो इज इक्वल टू वन। तो लास्ट वाला टर्म फिर आ रहा है वन, यानी कि प्लस वाई टू दी पावर फोर प्लस सो ऑन। अब इतना होने के बाद आप यहाँ से लिखना शुरू करिए, समझ गया ना चतुराई मेरी, नहीं इतने डेटा हम कहाँ इकट्ठा करके लिखते हैं। इक्वल्स टू वन प्लस का है माइनस कॉमन ले लिया तो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोथ अपॉन फैक्टोरियल टू, ये खत्म। इधर देखें प्लस एक्स टू दी पावर फोर प्लस फोर सी टू सिक्स आता है, मुझे ध्यान आ रहा है फोर सी टू इक्वल टू फैक्टोरियल फोर अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू फोर माइनस टू का फैक्टोरियल इज इक्वल टू फोर इंटू थ्री इंटू फैक्टोरियल टू अपॉन टू इंटू फैक्टोरियल टू, ये कैंसिल हो गया, चार तीन बारह का आधा छः। सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर फोर ऑल अपॉन फैक्टोरियल फोर और प्लस वन, यही आंसर आ गया, मिला लिया जाए। एक्स टू दी पावर फोर प्लस वाई टू दी पावर फोर अपॉन 24, ठीक है, और छः चौके 24 करके लिखा गया, बिल्कुल ठीक है। हमने जो आंसर नोट किया है उसमें ये और ये टर्म एक साथ लिखे गए हैं, ये अलग कर दिया गया, लेकिन ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये दो डिग्री के टर्म है, ये चार डिग्री के सब टर्म है, बिल्कुल ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है। तो अब देखो इसमें क्या है, सिवाय बैलगिरी के बताओ इसमें कौन सी मैथमेटिक्स है जिसका परीक्षण करने के लिए, जिसको टेस्ट करने के लिए एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछा जाए। पेपर सेटर्स को ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए। अप टू थर्ड ऑर्डर बहुत है जी, हम कह रहे फोर्थ ऑर्डर तक निकालो, फिफ्थ ही कह देंगे तो क्या है, डेटा ही तो निकालना है। इसमें कौन सा ऐसा दिमाग और कौन सी ऐसा ब्रिलियंसी इंटेलिजेंसी चेक करना है। खैर वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग टेलर सीरीज़ पे एग्जांपल देखेंगे।